जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होंगी। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में मैं लेकर आया हूँ शिक्षण अभियोग्यता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड एवं शिक्षण कौशल अर्थात टीचिंग स्किल से संबंधित 14 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर की एक बेहतरीन श्रृंखला। और ये क्वेश्चन आंसर आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और सहायक सिद्ध होने वाले हैं, इसलिए मैं आपको सुझाव देता हूँ कि इस सेशन को आराम से धैर्य और लगन के साथ अंत तक वॉच कीजिए। चलो शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज का पहला प्रश्न है, बच्चों को पढ़ाने की एक विधि है सरल से जटिल की ओर। नीचे लिखे उदाहरण में से कौन सा इस विधि का उदाहरण है? यहाँ पर चार उदाहरण दिए गए हैं, हमने उस उदाहरण को पहचानना है जो शिक्षण की इस विधि से संबंधित है, यानी सरल से जटिल की ओर अर्थात फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सूर्य एक तारा है जो हमें प्रकाश और गर्मी देता है, क्या ये सही हो सकता है? जो पशु मांस नहीं खाते उन्हें शाकाहारी कहते हैं। चौपायों की दुम होती है इसलिए गाय की भी दुम होती है। गाय, बकरी, ऊंट, कुत्ते सभी की चार चार टांगें होती हैं, चार टांग वाले पशुओं को चौपाया कहते हैं। अब हमें इन चारों में से सही उदाहरण को ढूंढना है जो सरल से जटिल की ओर शिक्षण विधि से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, गाय, बकरी, ऊंट, कुत्ते सभी की चार चार टांगें होती हैं, चार टांग वाले पशुओं को चौपाई कहते हैं। यह उदाहरण एकदम सटीक होगा। इसमें सरल से जटिल की ओर जिक्र किया गया है, अर्थात बच्चा गाय को पहचानता है, बकरी को पहचानता है, ऊंट पहचानता है, कुत्ते इनको पहचानता है, तो ये सरल है और उनकी चार चार टांगें होती हैं, गाय की, बकरी की, ऊंट की, कुत्ते की, तो यह बच्चा आसानी से समझता है। इसके बाद बच्चा सरल से जब जटिल की ओर बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो वह समझ जाएगा कि जिन पशुओं की चार टांग होती हैं उन्हें चौपाया कहा जाता है। यह शिक्षण के सरल से जटिल की ओर शिक्षण की एक विधि है। इस प्रकार से आप बच्चों को समझा सकते हैं सरल से जटिल की ओर, यानी पहले आप सरल वस्तुओं का ज्ञान करवाओगे, सरल बातों को उसे बताओगे, उसके बाद जटिल बातों को आप उसे समझा सकते हैं या वह खुद समझ जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटा सा बच्चा गाय पहचानता है, आप उसे गाय की दुम के उपयोग या उसके जुगाली करने की आदत का ज्ञान कराते हैं, पढ़ाने की यह विधि कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इन्हें हल करने की कोशिश कीजिए। छोटा सा बच्चा है, वह गाय को पहचानता है, अब आप उसे गाय की दुम यानी गाय की पूंछ और उसकी जुगाली करने की आदत का ज्ञान कराते हैं कि कैसे पशु जुगाली करता है, उसकी दुम यानी पूंछ कैसी होती है, इसका ज्ञान आप बच्चे को देना चाहते हो, पढ़ाने की यह विधि कौन सी है, किस विधि से आप इस प्रकार का शिक्षण करोगे उस बच्चे के लिए? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अनुभव से तर्क की ओर या अनिश्चित से निश्चित की ओर, किस शिक्षण विधि का प्रयोग करोगे आप इस स्थिति में जब आप बच्चे को इसके बारे में ज्ञान करा रहे होंगे? सही उत्तर है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसका ज्ञान करवाओगे आप बच्चे को गाय के संबंध में जानकारी देने के लिए। स्थूल से सूक्ष्म की ओर यानी फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। और यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ कि इसी विधि का यूज क्यों करोगे। जो यहाँ पर स्थूल शब्द दिया है इसका तात्पर्य होता है साकार, ठोस रूप देना या मूर्त, इसे अंग्रेजी में कॉन्क्रीट कहते हैं। स्थूल का मतलब क्या बताया मैंने, साकार, ठोस या मूर्त, जिसे बच्चा देखता है, मूर्त रूप से देखता है, साकार रूप से देखता है,
ठोस रूप से देखता है, तो वह गाय को पहचानता है, यानी मूर्त रूप से पहचानता है, ठोस रूप से पहचानता है, रियल में पहचानता है। तो पहले वो गाय को पहचानेगा। अब आप उसकी दुम यानी पूंछ और जुगाली के बारे में ज्ञान करवाना चाहते हो तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ोगे, यानी पहले उसने गाय का साकार रूप, उसका ठोस रूप या उसका मूर्त रूप देख लिया। अब सूक्ष्म जो यहाँ पर शब्द दिया गया है इसका मतलब है एब्स्ट्रैक्ट, अंग्रेजी में इसे एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे। और सूक्ष्म को आप अन्य रूप में अमूर्त भी कह सकते हैं, अमूर्त कह सकते हो, भाववाचक कह सकते हो, निराकार कह सकते हो, कल्पना कह सकते हो, काल्पनिक कह सकते हो। तो ठोस से भाव की ओर, ठोस से अमूर्त की ओर, या मूर्त से अमूर्त भी आप इसे कह सकते हैं। जब बच्चा पहले ठोस वस्तुओं को समझेगा, मूर्त वस्तुओं को समझेगा, साकार वस्तुओं को समझेगा, तो फिर वह उन वस्तुओं की मदद से अमूर्त, काल्पनिक, निराकार या भाववाचक की तरफ बढ़ेगा, यानी उसकी जो कल्पनाशीलता है वह बढ़ जाएगी। तो इस विधि से आप गाय की जुगाली और उसकी दुम के बारे में बच्चे को शिक्षण करवा सकते हो, ज्ञान दे सकते हो। मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। और यदि इसी प्रकार का कोई प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप शिक्षण के सूत्रों को समझकर ध्यान से प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा विकल्प छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की स्थापना करता है? पुस्तकें, बुक्स, वार्षिकोत्सव यानी एनुअल फंक्शन, खेल का मैदान स्पोर्ट्स ग्राउंड कह सकते हैं, प्रार्थना सभा, असेंबली, इनमें से कौन बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, प्ले ग्राउंड यानी खेल का मैदान। यहाँ पर सभी बच्चे खेलेंगे, अपने अनुसार बातें भी करेंगे, वह एक प्रकार से यहाँ पर एज ए फ्रेंड्स रहेंगे, मित्र के रूप में रहेंगे, और यहाँ पर वह लोकतांत्रिक ढंग से रहेंगे, यानी उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा, डर नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना कर सकते हो खेल के माध्यम से, खेल का मैदान, जहाँ पर आप बच्चों में नैतिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? आप गणित का शिक्षण कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की टीचिंग कर रहे हैं, इन चार विधियों में से या इन चार संप्रेषण स्ट्रेटजी रणनीतियों में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? सर्वाधिक भी लिखा है, फिर उपयुक्त भी लिखा है। एल्गोरिथम, निरंतर गद्य रणनीति, स्वन्वेषण रणनीति या निर्णय तालिका? आपको चारों सही लग रहे होंगे। आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहिए, जैसे ये वाला विकल्प नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता, अब या तो निर्णय तालिका होगा या एल्गोरिथम होगा। ऐसे पहले आपको परीक्षा हॉल में ऑप्शन को काटना है, फिर सही उत्तर की तरफ बढ़ना है। सही उत्तर है इसका एल्गोरिथम। गणित शिक्षण के लिए अधिकांश तो एल्गोरिथम विधि का प्रयोग किया जाता है। एल्गोरिथम विधि से जब आप शिक्षण करते हो, इस संप्रेषण रणनीति का यूज करते हो, इसमें आप क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हो। एल्गोरिथम विधियों में आप क्रमबद्ध तरीके से यानी क्रमानुसार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो। उदाहरण के लिए, यदि आप चाय बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गैस का रेगुलेटर ऑन करेंगे, फिर गैस जलाएंगे, फिर किसी बर्तन में पानी रखेंगे, पानी गर्म होगा उसमें आप फिर चाय की पत्ती डालेंगे, उसके बाद चीनी डालेंगे, फिर दूध डालेंगे, फिर गैस को बंद करेंगे, चाय को उतारेंगे, उसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर कप या ग्लास में डालेंगे, उसके बाद आप उसे पियेंगे। तो यह आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, यानी क्रमबद्ध तरीके से कर रहे हैं। इस प्रकार की विधि को या संप्रेषण रणनीति को कहते हैं एल्गोरिथम। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगर कोई भी उदाहरण आए एग्जाम में तो आप आसानी से समझ जाएंगे, यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं विषय पर। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। वास्तव में जो इंडियन सोसाइटी है उसमें शिक्षण एक चुनौती से भी बड़ा कार्य है, एक चैलेंज है।
इन चार विकल्पों में से सही को बताना है। धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण, जातीय विभेद के कारण, सांप्रदायिक द्वेष के कारण या उपरोक्त सभी। हो सकता है आप इसका उत्तर उपरोक्त सभी लगा रहे होंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए, समझ लीजिए। सही उत्तर है धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण। भारतीय समाज में शिक्षण एक चुनौती इसलिए है क्योंकि यहाँ पर धर्मांधता अधिक है, यानी आडंबर हैं, पाखंड हैं। इसके अतिरिक्त लोगों में विवेक की कमी है, विवेकहीनता है। इस वजह से टीचिंग एक चुनौती भी है। अक्सर आपने देखा होगा लोग विज्ञान की जगह धर्म को अधिक महत्व देते हैं, रीति रिवाजों को, पाखंड को, या जो एक प्रकार की काल्पनिक बातें हैं, मिथ्या बातें हैं, उनको ज़्यादा महत्व देते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर एक इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बाकी दो जो ऑप्शन है यहाँ पर, जातीय विभेद और सांप्रदायिक द्वेष, यह इतने बड़ी चुनौतियाँ नहीं हैं शिक्षण कार्य के लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों व उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। टीचर्स की जो एबिलिटीज़ हैं, कैपेसिटी हैं, उसके जो प्रयास हैं, उसका बिहेवियर है, उसका सही मूल्यांकन यानी करेक्ट इवैल्यूएशन किया जा सकता है प्रधानाचार्य के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा, उसके छात्रों द्वारा, उसके साथियों द्वारा। सही से देख लीजिए कौन सा सही उत्तर होगा। आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। जैसे विशेषज्ञों के द्वारा नहीं होगा, पहले आप इसको काट दीजिए। उसके साथियों के द्वारा भी नहीं होगा, पहले आप इन दो को काट दीजिए। अब आपको पहले और तीसरे ऑप्शन में से एक को सही करना है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो यहाँ पर सही भी लिखा गया है। देखा जाए तो प्रधानाचार्य भी टीचर्स के बारे में जानकारी रखता है और उनका जो सर्विस बुक है उसे अपडेट करता है, टीचर्स में अच्छाइयाँ बुराइयाँ लिखता है हर साल। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर है उसके छात्रों द्वारा। टीचर्स का सही मूल्यांकन उसके छात्र ही कर सकते हैं क्योंकि टीचर छात्रों का शिक्षण कार्य करता है, पठन कार्य करता है। तो टीचर की कितनी योग्यता है, उसके प्रयास कैसे हैं, उसका व्यवहार कैसा है, इसको सबसे अधिक कौन जान सकते हैं, उसके छात्र। इस प्रकार ऑप्शन नंबर चार सही उत्तर होगा। वीडियो यदि अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके परिवार के अन्य सदस्यगण जो शिक्षण से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या आपके शुभचिंतक, आपके करीबी मित्र भी इसका बेनिफिट उठा सकें अपने जीवन में किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए। अगला प्रश्न है, नए नए संचार माध्यमों के विकास ने कक्षा में शिक्षक के दायित्वों को, जो वर्तमान में नए नए संचार माध्यम विकसित हो रहे हैं, कम्युनिकेशन के जो स्रोत हैं, सोर्सेस हैं, मीडियम हैं, इन्होंने शिक्षक के दायित्वों को किसी कक्षा में यानी क्लासरूम में घटा दिया है, बहुत बढ़ा दिया है, पूर्ववत रखा है या निभाना आसान बना दिया है। चारों ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे। तो नए नए संचार माध्यमों ने विकास के जो कक्षा में होने हैं उन्होंने शिक्षक के दायित्वों को बहुत बढ़ा दिया है। ऑप्शन नंबर दो इसका सही उत्तर होगा। वर्तमान में जो कम्युनिकेशन के विभिन्न माध्यम हैं उन्होंने कक्षा में शिक्षक के दायित्वों को बहुत बढ़ा दिया है। आप जानते हैं जैसे कोविड काल में भी टीचिंग ऑनलाइन हो रही है, या जो पुराने टीचर्स हैं जिन्हें कंप्यूटर का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, गूगल मीट का, जूम ऐप का या अदर्स जो सॉफ्टवेयर हैं, ऐप्स हैं, उनका नॉलेज नहीं है, नए नए संचार के जो माध्यम हैं वह उनके लिए एक चुनौती भरा कार्य हो गया है। तो इस प्रकार टीचर्स के दायित्व यानी उनकी जिम्मेदारियाँ, उत्तरदायित्व बढ़ गए हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन बताता है कि शिक्षा दी जाए, ठीक है, इसके विपरीत शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा के, यहाँ पर चार ऑप्शन है। इसे थोड़ा सा समझ लीजिए, प्रश्नों को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। एजुकेशन फिलोसफी यानी शिक्षा दर्शन बताता है कि क्या शिक्षा दी जाए और क्यों। एजुकेशन फिलोसफी बताता है कि शिक्षा क्या दी जाए और क्यों दी जाए। इसके विपरीत एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा के कब और कैसे पहलू से है, किसे और कब तक पहलू से है,
किसको और क्यों पहलू से है, उपरोक्त सभी से है। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जो एजुकेशन फिलोसफी है वह बात करता है क्या शिक्षा दी जाए और क्यों, यानी क्या और क्यों। तो क्यों तो यहाँ पर भी आ गया, तो ये तो लगभग शिक्षा दर्शन की बात कर रहा है। यदि आप इसे काट देते हैं, इसे काट देते हैं, दो गलत हो गए। अब किसे और कब, कब और कैसे, इन दो में से एक सही उत्तर होगा। ऐसे आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, कब और कैसे पहलू से है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध कब और कैसे शिक्षा दी जाए, इसका संबंध किससे है, शिक्षा मनोविज्ञान से, एजुकेशन साइकोलॉजी से। ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर हो जाएगा। और क्या शिक्षा दी जाए और क्यों, इसका संबंध है एजुकेशन फिलोसफी यानी शिक्षा दर्शन से। अगला प्रश्न है, शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं। यहाँ पर शिक्षक के चार गुण दिए गए हैं, इनमें से किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं। सबसे अधिक भी लिखा है यहाँ पर, देख लीजिए। उसकी समय की पाबंदी, यानी टीचर समय के प्रति पाबंद हो। उसकी अनुशासन प्रियता, अनुशासन में रहता हो टीचर। उसका रौब, खैर ये तो नहीं हो सकता। उसकी निष्पक्षता, अब मैंने एक ऑप्शन काट दिया, तीन में से सबसे बेस्ट कौन सा होगा जो सबसे अधिक पसंद करते हैं बच्चे। सही उत्तर है उसकी निष्पक्षता, यानी टीचर कितना निष्पक्ष है किसी भी मामले में, चाहे लड़के लड़कियों के मामले में, कॉपी चेक करने में उसकी निष्पक्षता कितनी अच्छी है, या जातीय क्षेत्रीयता, लिंग, ठीक है, संप्रदाय, किसी भी आधार पर वह कितना निष्पक्ष है अपने टीचिंग के प्रति, यह सबसे अधिक पसंद किया जाता है बच्चों के द्वारा यानी छात्रों के द्वारा। तो एक शिक्षक को सदैव निष्पक्ष होना चाहिए और मेरे अनुसार डेमोक्रेटिक होना चाहिए, चाहे बच्चा किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी क्षेत्र, किसी भी लिंग का हो, लड़की लड़का या कोई अदर्स जेंडर का हो, तो टीचर को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक होना चाहिए। यह शिक्षक की सबसे बड़ी महानता होती है। अगला प्रश्न है, हाई स्कूल स्तर के छात्रों को यौन शिक्षा प्रदान की जा सकती है। यौन शिक्षा कैसे प्रदान की जा सकती है हाई स्कूल स्तर के छात्रों को। सह शिक्षा द्वारा, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा द्वारा, अलग विषय के रूप में, विकल्प एक व दो दोनों। तो किस प्रकार से यौन शिक्षा प्रदान की जा सकती है हाई स्कूल स्तर के छात्रों को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीन, अलग विषय के रूप में, बशर्ते विद्यालयों में यह एक अलग विषय के रूप में नहीं है, नहीं दी जाती शिक्षा, लेकिन हाई स्कूल स्तर के जो छात्र हैं यानी जो टीन एजर्स स्टूडेंट्स होते हैं, उनको यौन शिक्षा अलग विषय के रूप में प्रदान की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर तीन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आराम से वॉच कीजिए वीडियो को, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, मोटिवेशन के लिए। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, तो अवश्य ही कमेंट कीजिएगा। एक शिक्षक के लिए विभिन्न दर्शनों की जानकारी जरूरी है। एक टीचर के लिए विभिन्न फिलोसफी यानी दर्शन की जानकारी जरूरी है। क्यों जरूरी है, यहाँ पर चार ऑप्शन है, विचारों की भिन्नता की जानकारी प्राप्त करने के लिए, यानी विचार किन किन के भिन्न हैं यह जानकारी प्राप्त करने के लिए। एक सत्य तक पहुँचने के लिए मार्गों की भिन्नता के सत्य को जानने के लिए। एक ही मुद्दे को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए। आपको हो सकता है चारों ऑप्शन सही लग रहे होंगे, वीडियो को पॉज करके सही उत्तर की तरफ पहुंचने की कोशिश कीजिए, ऑप्शन को काटने की कोशिश कीजिए पहले। आप ज्ञान तो आप कैसे भी बढ़ा सकते हैं, और एक ही मुद्दे को विभिन्न दृष्टिकोण से समझने के लिए यह भी हो सकता है। विचारों की भिन्नता की जानकारी प्राप्त करने के लिए यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब दो और तीन में से सही उत्तर को हमें पहचानना है, यानी उसके करीब हमें पहुंचना है। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो, एक सत्य तक पहुंचने के लिए, यानी जो एक सत्य है वहां तक पहुंचने के लिए मार्गों की भिन्नता के सत्य को जानने के लिए। अर्थात आप एक सत्य पर पहुंचने के लिए कितने मार्गों का यूज कर सकते हो, कितने मार्गों के माध्यम से आप एक ही सत्य पर पहुंच सकते हो। इस कार्य को सीखने के लिए, प्राप्त करने के लिए विभिन्न दर्शनों की जानकारी होनी चाहिए एक टीचर को। और दर्शन का मतलब यही होता है,
जो ज्ञान का प्यासा होता है उसे कहते हैं दार्शनिक, जो हमेशा ज्ञान के लिए भटकता है, ज्ञान का प्यासा होता है, जो ज्ञान से कभी संतुष्ट नहीं होता उसे कहते हैं दार्शनिक यानी फिलोसफर, और जो फिलोसफी देता है, कोई सिद्धांत करता है, उसे कहते हैं दर्शन। ठीक है, तो दर्शन हमेशा सत्य की खोज में लगा रहता है। तो सत्य की खोज के कई मार्ग हो सकते हैं, जैसे अगर मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके बाद आत्मा कहाँ जाती है, इस पर आप कई फिलोसफी का अध्ययन कर सकते हो। तो कहाँ जाते हैं इसके लिए आप अलग अलग फिलोसफी पढ़ोगे इस मार्ग पर पहुँचने के लिए, यही कहने का तात्पर्य है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक शिक्षण का कौशल एजुकेशन स्किल नहीं है, यानी टीचिंग स्किल, शिक्षण कौशल, एजुकेशन स्किल नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे टीचिंग स्किल नहीं है। प्रश्न के अंत में क्या लिखा गया है, नहीं है, ध्यान से देख लीजिए। उद्दीपन, परिवर्तन, दृष्टांत, बुझने वाले प्रश्न या निदर्शन, यहाँ पर तीन तो शिक्षण के कौशल हैं अर्थात टीचिंग स्किल हैं, एक नहीं है उसे हमें पहचानना है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल, यह तो कौशल है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टिमुलस वेरिएशन। दृष्टांत कौशल भी है, ठीक है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं इलस्ट्रेशन स्किल, या इसका दूसरा नाम है उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण, दृष्टांत कौशल कहते हैं। तीसरा है बुझने वाले प्रश्न, बुझने वाले प्रश्न इसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रोबिंग क्वेश्चनिंग, और इसका दूसरा नाम है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल भी इसे कहा जाता है। लेकिन निदर्शन शिक्षण का कौशल नहीं है, यह शिक्षण की तकनीक है, शिक्षण की युक्ति है। निदर्शन को भी अंग्रेजी में इलस्ट्रेशन ही कहते हैं। तो ऊपर के तीन शिक्षण के कौशल हैं, निदर्शन क्या है, शिक्षण की तकनीक है या शिक्षण की युक्ति है। और यदि आप शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की तकनीक यानी युक्ति और शिक्षण के कौशल से संबंधित जानकारी रखना चाहते हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, आप देख लीजिए उस वीडियो को, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जो ये निदर्शन शब्द है, थोड़ा सा मैं इसे भी आपको समझा देता हूँ ताकि आपके डाउट्स दूर हों। निदर्शन को अंग्रेजी में इलस्ट्रेशन ही कहते हैं। इसका मतलब होता क्या है, यह शिक्षण की एक तकनीक है, एक युक्ति है, वे ठोस पदार्थ जिनकी सहायता से विषय वस्तु को स्पष्ट, रुचिकर और समझने योग्य बनाया जाता है, निदर्शन कहलाता है। तो जैसे कोई ठोस पदार्थ है जिसके द्वारा आप किसी कंटेंट को, किसी विषय वस्तु को स्पष्ट, रुचिकर और समझने योग्य बनाते हो, इसको कहते हैं निदर्शन। जैसे बच्चों को आप कोई ठोस वस्तु दिखाओगे और उसके माध्यम से बच्चा उस कंटेंट या उस विषय वस्तु को स्पष्ट रूप से, रुचिकर रूप से समझ जाएगा, तो इसे क्या कहोगे आप, इलस्ट्रेशन या निदर्शन। इस तकनीक द्वारा अमूर्त को मूर्त बनाकर इस प्रकार से छात्रों के सामने रखा जाता है कि वे उस अमूर्त की वास्तविकता को जानने लगते हैं। तो जब आप इस प्रकार से टीचिंग करोगे तो बच्चा अमूर्त चीज़ को भी मूर्त मानने लगेगा। जैसे आप इतने बेहतरीन तरीके से बच्चे को पढ़ाओगे कि आप बोलोगे कि आप चंद्रमा पर हो, तो बच्चे को इतने अच्छे से समझाओगे कि बच्चे को वास्तव में लगेगा कि मैं चांद पर हूँ, तो इसे कहेंगे निदर्शन। समझ गया आप। और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिक्षण का कौशल है, टीचिंग स्किल है, इनमें से कौन सा, मौन एवं अशाब्दिक उद्दीपन, यह तो है मौन एवं अशाब्दिक उद्दीपन, इस पर हमने डिस्कस किया था पहले वीडियो में, ठीक है, यानी साइलेंस एंड नॉन वर्बल वेरिएशन आप इसे कह सकते हैं। नियोजित पुनरावृत्ति, यह भी है, जब आप एक प्लान के हिसाब से पुनरावृत्ति करते हो कंटेंट की, तो यह भी शिक्षण का कौशल है। प्रश्नीकरण कौशल यानी क्वेश्चनिंग स्किल, यह भी है। इस प्रकार उपरोक्त सभी, ये तीनों के तीनों क्या हैं, शिक्षण के कौशल हैं यानी टीचिंग स्किल हैं। कई बार यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का कौशल है, शिक्षण का सूत्र है, शिक्षण की तकनीक है, शिक्षण की विधि है या नहीं है। आज का आखिरी प्रश्न ये है, और ये प्रश्न आपके लिए है, इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में पिन करना है, अवश्य पिन कीजिएगा इसका आंसर। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक शिक्षण की तकनीक या युक्ति नहीं है, प्रश्न में क्या पूछा गया, नहीं है। त
तकनीक और युक्ति एक ही बात है, अंग्रेजी में इसे टेक्निक कहते हैं, यानी एजुकेशन टेक्निक या टीचिंग टेक्निक। टीचिंग टेक्निक हो गया आप, यानी शिक्षण तकनीक या शिक्षण युक्ति। कक्षा प्रबंधन क्लास मैनेजमेंट। विवरण यानी एक्सपोज आप इसे कह सकते हो या एलुसिडेशन भी कह सकते हो। वर्णन अर्थात डिस्क्रिप्शन। स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी। तो इन चारों में से एक शिक्षण की युक्ति या तकनीक नहीं है, तीन है, उसे आपको बताना है। मुझे लगता है ये क्लिप आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, आपके सारे डाउट्स कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहे होंगे। मिलते हैं किसी अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए अपने सेलेक्टेड मंजिल को प्राप्त करने के लिए। वीडियो यदि अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा, ताकि आपके शुभचिंतक, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके परिवार के सदस्य जो शिक्षण से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो इसका लाभ ले सकें और अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त करके अपने सपनों को साकार कर सकें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।